हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, मैं नॉलेज आईक्यू से बोल रहे थे। नॉलेज आईक्यू से अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ भैया, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि आप का यहाँ पर एपी में सिलेक्शन हो गया है, तो उसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन पहले तो। थैंक और तो आपसे बस मुझे जानकारी लेनी थी छोटी मोटी, और ताकि मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो आप बताना आपने कैसे यू। तैयारी करी, कौन कौन सी बुक्स को आपने प्रेफर करा, और आपने किस टाइप से, मतलब एक कहते नहीं कि बिगनर स्टूडेंट अगर तैयारी स्टार्ट करना चाहे तो किस तरीके से वो तैयारी स्टार्ट कर सकता है, तो इसके एपी रिगार्डिंग के ये पर। लिए? हाँ, एईपी के लिए आपका दोनों में सिलेक्शन हुआ है ना, एईपी और जेईटी? हाँ, एपी और जेपी दोनों में हुआ है। हाँ, तो अभी फिलहाल जेईटी का तो मैं वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आपका एईपी का था कि एईपी का मुझे बात करनी थी, तो आप मुझे बताइए, मतलब आपका कैसा रहा, आपकी जर्नी कैसी रही, आपने किस टाइप से सोचा था, क्या सोचा था, इसके बारे में बताइए थोड़ा। जैसे पहले क्या है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सर, एपी का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप थोड़ा जैसे सा तेज बोले हैं ना एपी के आवाज, जो, आप थोड़ा सा आवाज आप तेज करके बोले तो ज्यादा अच्छे से क्लियर आवाज आएगी ना। ओके ओके, एपी के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होते हैं कंपेयर टू जेईटी। तो हमको लगता है तुम्हें कि जितना भी सीएससी के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है ना, टेक्निकल या इंजीनियरिंग मैकेनिकल के, सर्विस हाँ, के। इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, और गेट के जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं एनएटी के अलावा, जो न्यूमेरिकल एंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसके अलावा जो इतना सारे क्वेश्चन होते हैं वो करना जरूरत है। वो तो आप डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे। उसके लिए मतलब पहले हम क्या किए थे कि हम ऑनलाइन कोचिंग लिए थे मेट जी से, जो ऑनलाइन आता है ना मेट जी का कोचिंग, जी, अच्छा। उसके थ्रू जैसे नोट्स पूरा मेरा कंप्लीट था। तो उसके बाद फिर हम क्या हुआ था कि ईएससी का जितना प्रीलिम्स है वो लगाए थे, और गेट का जो न्यूमेरिकल एंसर टाइप वाला क्वेश्चन हटा के बाकी जितने सारे क्वेश्चन हुआ था वो सब प्रैक्टिस करके गए थे। और नॉन टेक्निकल में 30 क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। वो मोस्टली एसएससी सीएचएसएल लेवल के होते हैं। अच्छा, हाँ, और बताइए और कुछ कुछ। मतलब आपने कौन सी बुक्स को प्रेफर करा था, आपने मतलब गेट और ईएससी की बुक्स को ही मतलब प्रेफर? क्लास नोट्स प्रेफर किए कॉन्सेप्ट के लिए, उसके अदरवाइज 10 प्रैक्टिस के लिए ईएससी के प्रीलिम्स के बुक और गेट के बुक जो है वो उसको बनाए टेक्निकल अच्छा, पार्ट के लिए। और नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए वही बताएं, जैसे सीएचएसएल के टेस्ट बुक पे टेस्ट आते हैं ना, और वो टेस्ट जैसे सब अटेम्प्ट किए थे अभी मैंने तो। बताया था कि एसएससी के आप सीरियल और सीएचएसएल के क्वेश्चंस को अगर लगा लेंगे तो आपका नॉन टेक्निकल का पार्ट यहाँ हाँ, पे कंप्लीट हो वो जाएगा। इनफ है, हाँ इनफ है, वो तो अच्छा वहीं से टेस्ट बुक से किए थे। और ईएससी अच्छा के प्रीलिम्स के क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ऑलमोस्ट उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इस बार क्वेश्चंस भी, मतलब जो क्वेश्चंस है वो लगभग क्वेश्चन वही से। हाँ उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे ना? हाँ ऑलमोस्ट ईएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे इस बार। अच्छा, तो मतलब आपका एग्जाम के बाद आपका जो कल्चरल एप्रिसिएशन टेस्ट, जो सीएटी टेस्ट हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, कल्चरल एप्रिसिएशन टेस्ट बेसिकली बिहेवियरल टेस्ट है कि उसमें गलत और सही आंसर कुछ नहीं होता है, बस है कि गिवन सिचुएशन में ना आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे उसके बारे में वो टेस्ट था। उसमें 100 क्वेश्चन अप्रोक्स थे, 25 मिनट का टाइम हम लोग को मिला हुआ था। जैसे एग्जाम्पल इस टाइप के क्वेश्चन थे कि जैसे कोई आपके सीनियर है वो एथिक कंपनी के एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपका क्या उस सिचुएशन में होगा रिस्पॉन्स। अच्छा, तो 4 ऑप्शन दिए हुए, उसमें कुछ गलत और सही नहीं है कि आप सीनियर्स को रिपोर्ट करेंगे या फिर आप खुद से मतलब एक नेगेटिव आपने तरह का भाई ये कुछ किया। जो टेस्ट था ये क्वालिफाइड इन नेचर था या मतलब सिर्फ ऐसे ही था ये? नहीं, इसमें भी मतलब हमको लगता है कम बच्चे इसमें रिजेक्ट हुए हैं कल्चरल एप्रिसिएशन टेस्ट में, बट मेरे जान पहचान के भी 2-3 दोस्त हैं जो जिनका कल्चरल में फिर नहीं आया था रिजल्ट, मतलब इसमें भी गलत भी हुआ आपका था, लेकिन कुछ उन मतलब लोग शायद सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसा पैरामीटर रखते होंगे जिसके वजह से उन्हें जज करते सिक्सटी होंगे। सेवेंटी परसेंट तक का पैरामीटर रखते होंगे कि कौन 60% है, क्या हाँ सेवेंटी हाँ परसेंट है, ऐसा उसको ऐसा एक्यूरेट कुछ। कर रहे हैं ना हाँ, उनका। क्योंकि मेरे जान पहचान कहीं धनबाद तरफ पर दो दोस्त हैं, उन लोग का कल्चरल एप्रिसिएशन में उन लोग का नहीं फिर फाइनल रिजल्ट आया था इंटरव्यू के लिए कॉल। अच्छा, तो जब आप मतलब इंटरव्यू देने गए तो आपको वहां पे कितने कैंडिडेट लगभग नजर आए, मतलब? इंटरव्यू में लगभग हमको लगता है हम मेरा सिर्फ फर्स्ट दिन 27 से 29 तक इंटरव्यू चला था मेरा, 27 को था, तो शिफ्ट सिस्टम था, एक दिन में 4 शिफ्ट में बुलाए थे बच्चों को, 1 6 बजे, फिर 8 बजे, 10 बजे, और उसके बाद 12 बजे, ऐसे रिपोर्टिंग टाइम था 4 शिफ्ट अच्छा, में। तो ऑलमोस्ट हमको लगता है एक दिन में 100 बच्चों का इंटरव्यू हुआ होगा एक दिन में यहाँ पे जमशेदपुर में। मैं हम अपना लोकेशन का जितना हमको आइडिया है वहाँ पे 100 बच्चे होंगे एक दिन में लगभग।
अच्छा, और फिर वैसे ही शिफ्ट वाइज जैसे जिनका रिपोर्टिंग मतलब आ रही आपको है लगता वो है कि हर ब्रांच के अंदर कम से कम 200-300 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया होगा ना? जमशेदपुर में मैकेनिकल का तो हम कौन किए थे, नहीं हर ब्रांच का नहीं, सबसे ज्यादा बच्चे मैकेनिकल के थे। तो जब अटेंडेंस शीट आया था ना उसमें सब बच्चों का लिखा हुआ था नाम, जितने सारे दिन, तो ऑलमोस्ट 3 दिन मिला के जमशेदपुर में हमको लगता है लगभग 150 बच्चों को मैकेनिकल से बुलाया गया था इंटरव्यू कॉल। हाँ जी, मतलब उसके हिसाब से करीब हाँ 40-50 सीट मेरे मांग मतलब हो सकती है ना? वही हमको लगता है ये रेंज में 150 अच्छा, बच्चे लगभग हमको लगता है कि बुलाए थे। टोटल 3 दिन इंटरव्यू चले थे ना, तो 3 दिन मिला के 150 बच्चे लगभग इंटरव्यू के लिए कॉलेज थे। अच्छा। और बाकी क्या नाम है वहाँ पर, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रिलेटेड से कोई प्रॉब्लम आई किसी को, ये मतलब डी? डॉक्यूमेंट्स नहीं, बस जितना आपका डीवी के टाइम जो है ना कि आपका जैसे बीटेक है तो बीटेक का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, हर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होना चाहिए। और जैसे हम झारखंड से थे तो झारखंड और उड़ीसा वालों को उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहे थे वहाँ पे, अच्छा। तो और बाकी कोई बाकी दिक्कत नहीं। इंटरव्यू वगैरह कैसा हुआ था, मतलब हार्ड लगा कि आपको नॉर्मल लगा? नहीं इंटरव्यू जैसे हम तो टाटा स्टील में 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, पिछला बार हम जेईटी का दिए थे तो पिछला बार मेरा सिलेक्शन नहीं था, इस बार मेरा जेईटी में भी हुआ है। तो जेईटी का इंटरव्यू तो हमको रिलेटिवली बहुत ज्यादा टफ लगा, इंटरव्यू मेरा फर्स्ट अच्छा, इंटरव्यू आपने अपना इंटरव्यू नाम नहीं हुआ, बताया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरसु कुमार हुआ। अच्छा, तो बताइए, नहीं मतलब जो इंटरव्यू था वो मैंने सुना इस बार जो है टेक्निकल का ही केवल एपी के अंदर आपका इंटरव्यू हुआ था ना? हाँ मोस्टली ज्यादा क्वेश्चन टेक्निकल थे, एक दो क्वेश्चन बस ऐसे एचआर में पूछ ले रहे थे कि आप रिलोकेट होना क्या, अगर आपको रिलोकेट करे जमशेदपुर से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है, तो वो मतलब नॉर्मल ज्यादातर 90-95% क्वेश्चन टेक्निकल ही था इंटरव्यू में। लगभग 15-20 मिनट, 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक जो था इंटरव्यू का शेड्यूल हाँ लाना? नॉर्मल उतना ही चल रहा था सर, लेकिन हुआ क्या कि मेरा हम फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गए थे, पहला ही नंबर पर मेरा ही इंटरव्यू तो हुआ, ज्यादा देर उस तक हुआ टाइम होगा जो आपका। हम मेरा ऑलमोस्ट 40-42 मिनट तक लगभग इंटरव्यू चला था मेरा, और बहुत ही पैनल में फास्ट चला कितने था। लोग थे, 3-4 लोग होंगे करीब, है ना? पैनल में 5 लोग थे मेरे पैनल में, 2 पैनल बना हुआ था मेकेनिकल का, MJ1 और MJ2, तो मेरा 1 में पढ़ा था, पांच पांच मेंबर थे। तो अच्छा, उसमें वही मेरा जैसे मेरा इंटरव्यू फर्स्ट टाइम पे हुआ ना, तो उसमें ज्यादा देर तक चला था, मोस्टली क्वेश्चन टेक्निकल जो ब्रांच से क्वेश्चन आता है ना वही सब आए थे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो मतलब उन लोग ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे, जैसे थ्योरी तो एग्जाम के बेस पे उन लोग जज करिए ना, तो ज्यादा जो इंटरव्यू में हम जैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जैसे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में डिस्क्राइब किए, तो कौन सा पाइप था जो 2 स्ट्रोक पे चल लास्ट में बना था, या 2 स्ट्रोक अब क्यों नहीं ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं, तो थोड़ा वो प्रैक्टिकल जजमेंट कर रहे थे कि मतलब थ्योरी के अलावा कॉन्सेप्ट का समझ कितना है, इस टाइप का क्वेश्चन था। सर अच्छा। 4 मेंबर थे सर उसमें टेक्निकल के, और एक एचआर के मेंबर थे, चार के मेंबर बीच में थे और दो दो मेंबर इधर उधर थे वो टेक्निकल के। मतलब कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं आई किसी भी चीज में, अगर जो कैंडिडेट अच्छे से पढ़ के जाएगा, अच्छे से हाँ तैयारी अच्छे से करेगा, पढ़ के जाएगा उनको लोग का रिजल्ट होगा, उनका रिजल्ट लगभग और हो जाएगा। तो हाँ अभी उनको जो लोग है कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे इन्होंने हायरिंग करी है? अभी तो मेंटेनेंस है जैसे मेरा स्पेयर एंड सर्विसेज है, एक इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट करके है, सब 3-4 डिपार्टमेंट का तो अभी रिजल्ट आया है। अच्छा, तो अभी बाकी कैंडिडेट कह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आया, या मतलब उनका रिजल्ट अभी रुक गया है कुछ का? हाँ वो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि जिस डिपार्टमेंट में रिजल्ट आ रहा है तो उनका शायद एचआर होते होंगे, तो डिपार्टमेंट वाइज रिजल्ट आ रहा है, जैसे मेरा स्टेयर एंड सर्विसेज मिला है तो उस दौरान देखिए जो भी बच्चों का मिला है वो स्टेयर एंड सर्विसेज का एक साथ मिला है, तो अभी 2-3 डिपार्टमेंट का आया है, 2-3 डिपार्टमेंट का और रिजल्ट आना बाकी, अच्छा, तो धीरे धीरे शायद स्लॉट मिल करते होंगे। तो चलिए, आपने बहुत अच्छे से बताया, एक एक चीज बताई। बाकी लास्ट में आप बताइए कि जो नए कैंडिडेट हैं वो अपनी तैयारी के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज वगैरह या कुछ ऐसा आपको लगता हो जो कर सकें? नए बच्चे जिसमें हमको कॉन्सेप्ट थोरली क्लियर होना चाहिए, पहले अपना नोट्स बनाएंगे हर सब्जेक्ट का है, उसके बाद कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो तो उनको ज्यादा कुछ नहीं भटकना है, ईएससी का प्रीलिम्स का बुक और गेट का एनएटी के अलावा जितना सारा क्वेश्चन है ना वो अटेम्प्ट करने के, एईटी के लगभग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे मेरे, जो अच्छा, आपने लगभग मल्टीपल कितना टाइम करेक्ट, आपने कितना आपको लगता है कि आपका करेक्ट अटेम्प्ट रहा होगा, 70-60? मेरा हमको लगता है 70-75 तो करेक्ट होगा। हाँ, मतलब उतनी ही कट ऑफ लगभग लगभग गई होगी, लगभग 70-80 के बीच में, है ना?
हाँ 70-80 के बीच में है, वही हम 90 के क्वेश्चन के करीब अटेम्प्ट किए थे, तो रॉन्ग मिले थे, हमको लग रहा है 75 के रेंज में होना चाहिए मेरा मार्क्स। अच्छा, चलिए आपने बहुत अच्छे से बताया और बहुत अच्छे से चीज़ों को डिस्क्राइब करा, तैयारी करने के बारे में बताया, और फिलहाल आपके लिए दोबारा मैं कहूँगा कंग्रेचुलेशन, आप अच्छे से ज्वाइन करें और आगे अपने करियर में ग्रोथ करें इसी तरीके से, है ना, और धीरे धीरे करके आप यहाँ पे काम करेंगे तो 2-3 साल 4 साल में आप और अच्छे लेवल तक पहुँच जाएंगे, है ना। तो थैंक यू। बाकी आप लोग आगे बढ़िए और ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा ताकि जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा फायदा मिले, क्योंकि बच्चे ढूंढते हैं ना कि क्या हाँ, वो कैसे थोड़ा करके क्या। आइडिया लगने अब में जैसे आप लोग भी थे मेरे चैनल पर आए थे, तो स्टार्टिंग में जब आते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि कैसे तैयारी करनी है, क्या उस तरीके से आगे रहता है, क्या स्टेप बाय हाँ, हम स्टेप लोग रहता खुद है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखते थे, जब JEE में दिए थे तो बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू शेयर किए थे ना, तो हम लोग वो एक्सपीरियंस देखने से तो आइडिया ये मिल अब जाता ये है जब थोड़ा आगे सा। भी रिक्वायरमेंट तो आपको पता है हर साल ही आता रहता है ना, फिर आएगा दिसंबर के आसपास, तो उनके लिए यहाँ पे फायदा तो उन बच्चों हो के लिए जाएगा। बेनिफिशियल हो चलिए जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना, और अच्छे से आप आगे ठीक बढ़िए है और ठीक, तैयारी करिए, ठीक है ना। ठीक थैंक यू। है, ओके।